हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी को सामाजिक विज्ञान का संपूर्ण हल कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, यही पेपर प्रत्येक स्कूल में आ रहा है, तो इस पेपर का यहाँ पे संपूर्ण हल देख के ही आप परीक्षा देने जाएँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान के एक प्रकार का ये वायरल पेपर है, ठीक है, जिसमें हम इस पेपर का संपूर्ण हल देखेंगे। फ्रेंड्स, संपूर्ण हल में आपको मानचित्र वाले जितने भी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न रहते हैं आपको कराने वाले हैं। इसके साथ में फ्रेंड्स, आपके जो दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं सभी प्रश्न आपको डिटेल में करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न, आप बोर्ड के एग्ज़ाम में हो चाहे अर्धवार्षिक परीक्षा आप देने जा रहे हो, एक भी प्रश्न आपसे न छूटे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर मिलेगा तो उसमें जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा टोटल 70 नंबर का रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके कुछ निर्देश दिए रहते हैं, इस निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होता है आपको प्रश्न पत्र पढ़ना रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पत्र जो होगा दो भागों में, क और ख में विभाजित होगा। क में जो होगा फ्रेंड्स 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और आपको इसे OMR सीट मिलता है, तो OMR सीट पर इसका आंसर देना रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, खंड ख है, इसे 50 अंकों का लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको करना है। साथ में आपको मानचित्र से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करना है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी सामाजिक विज्ञान के जितने भी वायरल प्रश्न हैं सभी आपको कराने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से खंड क स्टार्ट होता है, जिसमें आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न के कितने प्रश्न रहेंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये पहला सवाल आपका है एक नंबर का है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं प्रत्येक एक नंबर का है। देखिए फ्रेंड्स, सवाल आपका है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न करना रहे तो सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के ही बहुविकल्पी प्रश्न आप कीजिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्या है कि पहला है गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काउर, मेजनी। देखिए फ्रेंड्स, यंग इटली सोसाइटी के जो संस्थापक थे मेजनी थे, इसका सही जवाब घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको OMR सीट पे कैसे भरेंगे अभी आपको बताते हैं कि इस प्रकार का जब OMR सीट मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपका परीक्षा की तिथि यानी जिस डेट में आपका परीक्षा होगा यहाँ पे आपको भरना रहेगा, ठीक है, भर लीजिएगा। विषय का नाम यानी कि किस सब्जेक्ट का है, तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का रहेगा, तो सामाजिक विज्ञान भर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद परीक्षार्थी का नाम, अपना नाम यहाँ पे अर्धवार्षिक पेपर देने जा रहे हैं तो अर्धवार्षिक में अपना नाम यहाँ पे भर लीजिएगा, जो नाम रहेगा आपका। फिर फ्रेंड्स, आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा उस पर जो आपका रोल नंबर रहेगा तो वो यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना रहेगा। विषय का कोड फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न पत्र लिखा रहेगा तो इस पर विषय का कोड रहता है तो वो आपको यहाँ पर भरना रहता है विषय का कोड। और आपके एग्जामिनेशन कौन सा, हाफ ईयरली है तो आप इससे घेर लीजिएगा कि आपका हाफ ईयरली है, ठीक है। आप किस कक्षा के हैं, 10 के, तो यहाँ पे 10 भर लीजिएगा, ठीक है। ये अर्धवार्षिक के लिए है फ्रेंड्स, ठीक है, अर्धवार्षिक में इसी प्रकार का आपको OMR सीट मिलेगा। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहेगा आपके एडमिट कार्ड पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको आंसर इसका देना रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पर पहले का घ सही है ना, यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, देखिए पहला है घ का मतलब, देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, घ का मतलब होता है डी, कौन सा, डी वाला ना, यहाँ पे आप डी वाला ऑप्शन को इस प्रकार से घेर लीजिएगा ऐसे डी, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले का। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हस्ताक्षर इसमें करना है और ये जो आपके अध्यापक रहेंगे वो अपना हस्ताक्षर कर देंगे। OMR सीट इस तरह आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका दूसरा नंबर का सवाल क्या है, देखिए जैसे बताएं फ्रेंड्स इसी तरह आपको बोर्ड के एग्ज़ाम हो चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, ऑप्शन जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, ये भी एक नंबर का है। तो फ्रेंड्स, नेपोलियन जो था आपका, इसका संबंध जो था किससे था, फ्रांस देश से, इसका कौन सा ऑप्शन है, ग अर्थात सी वाला ऑप्शन था। देखिए पहले का कौन सा है, सी, इस प्रकार से इसको भर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन रहेगा उसी को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपको काट पीट ज़्यादा नहीं करना रहता, ध्यान से पढ़िएगा और 200 प्रश्नों को यहाँ तक आपको 200 प्रश्नों को जैसे बताएं इसी प्रकार से करना रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको प्रश्न सभी करवा देते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर का सवाल क्या है आपका, करो या मरो का नारा किसका था? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो करो या मरो का नारा जो था महात्मा गांधी जी का था, तो इसका सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, 1920, 1927, 1930 या 1935। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था 1930 ईस्वी में चलाया गया था, तो इसका सही जवाब घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल फ्रेंड्स है कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक विनिवेश, बैंकों का निजीकरण, उद्योगों की संख्या में वृद्धि। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क वाला ऑप्शन सही होगा, कि 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ठीक है, देखिए एक नंबर का है ये, जितने भी आपका जवाब आपका सही हो रहा है इसे आप OMR शीट पे जैसे बताएं फ्रेंड्स इसी प्रकार से भरना। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न को OMR शीट पे ही आपको करना है। अगला फ्रेंड्स देखिए आपका छठवां नंबर का सवाल क्या है, कि प्रांतीय शासन का संचालक कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री करेंगे, मुख्यमंत्री या राज्यपाल या जिला अधिकारी। तो प्रांतीय प्रशासन का जो संचालन करते हैं वो जिला अधिकारी होता है, तो इसका सही जवाब घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स कितना इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न आपके पेपर का ही, ये वायरल पेपर है फ्रेंड्स, इसको हल करके ही जाइएगा, बार बार बोल रहे हैं कि इसको हल करके ही आप पेपर देने जाइएगा। ठीक है, देखिए क्या निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है काली, पीली, लेटराइट या सीमेंट। देखिए फ्रेंड्स, काली मिट्टी होती है, पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट होती है, लेकिन सीमेंट आपके मिट्टी के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? काली मिट्टी, लाल, पीली या जलोढ़? तो फ्रेंड्स देखिए, कपास की खेती के लिए आपकी जो मृदा उपयुक्त होती है वो होती है काली मिट्टी, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने नौवां नंबर का सवाल क्या है, कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन आपका है देखिए ध्यान से, महानदी, चिनाव, सतलुज या किष्णा। तो फ्रेंड्स सलाल बांध को आप याद रखिएगा, सलाल बांध जो है आपका चिनाव नदी पर है, इसका ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स, 1973, 1975, 1980 या 1989। तो फ्रेंड्स जो प्रोजेक्ट टाइगर है आपका 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां नंबर का फ्रेंड्स देखिए आप, निम्नलिखित में से किसे औसत आयु भी औसत आय भी कहते हैं? ऑप्शन है कुल आय को औसत आय कहेंगे, राष्ट्रीय आय को या प्रति व्यक्ति आय को या ये सभी। तो फ्रेंड देखिए आप याद रखिएगा, जो औसत आय है वो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 12वां नंबर का देखिए फ्रेंड्स क्या है, कि कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड देखिए, आपको सबसे अधिक जो रोजगार देता है वो प्राथमिक क्षेत्र होता है, इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा ना, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि होते हैं। ठीक है, देखिए अगला नंबर का 13वां नंबर का सवाल क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? ऑप्शन है व्यापार, कृषि, रक्षा, शिक्षा। तो फ्रेंड्स संघीय सूची के अंतर्गत जो आता है वो होता है आपका ग वाला रक्षा आता है, संघीय सूची के अंतर्गत रक्षा आता है। ठीक है, इसका सही जवाब ग वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर का देखिए फ्रेंड्स क्या है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, यानी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का जो बंटवारा होता है उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक सरकार कहते हैं, गठबंधन सरकार या संघीय सरकार या एकात्मक सरकार। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, विभिन्न स्तरों पर जो सत्ता का बंटवारा होता है उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, 15वां नंबर का देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से संघात्मक शासक कहाँ नहीं है, मतलब संघात्मक शासन कहाँ पे नहीं है? ऑप्शन है भारत में, श्रीलंका में, बेल्जियम में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो फ्रेंड्स भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपका संघात्मक शासन नहीं पाया जाता, तो इसका सही जवाब होगा क वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं देख लीजिए, सभी एक एक नंबर का है, देखिए सभी एक एक नंबर का है ना। अगला सवाल क्या है, कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क जो होता है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब ग वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है,
अगला नंबर का देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित देश है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, ब्राज़ील है, भारत है, फ्रांस है या बांग्लादेश है। तो विकसित देश जो फ्रेंड्स आता है वो उसमें आता है आपका फ्रांस देश। इसका सही जवाब होगा ग वाला ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या है कि औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? ठीक है, समृद्ध जो परिवार होते हैं उसे मिलता है, गरीब परिवार को, अमीर परिवार को, या इनमें से कोई नहीं? देखिए फ्रेंड्स, औपचारिक ऋण जो होता है सबसे अधिक जो मिलता है अमीर परिवार के लोगों को मिलता है। तो इसका सही जवाब ग वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का देखिए, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? तो फ्रेंड्स अभी आपको बताएं कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसी के अंतर्गत आपका होता है कृषि आता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका 20वां नंबर का, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? यानी एक मार्क किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन पढ़िएगा, उपभोक्ता वस्तु के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तु के लिए, सेवाएं वस्तु या खाद्य पदार्थ। तो जो फ्रेंड्स एक मार्क प्रयोग किया जाता है वो खाद्य पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब ग घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न थे जिसे OMR शीट पे भरना था। आपको OMR शीट पे भरने का तरीका भी बताएंगे कैसे भरना है। अब फ्रेंड्स यहाँ से आपका स्टार्ट होता है खंड ख, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न रहेगा और यह है आपका लघु उत्तरी प्रश्न। सभी प्रश्न आपको डिटेल में करवाने वाले हैं फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत किया कीजिए। ठीक है, देखिए क्या है आपका पहला सवाल इसमें है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान है? यह आपका कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है, अथवा में है खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? देखिए इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक ही आपको करना है। चलिए इसमें से एक प्रश्न आपको करके बताते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये क्या है आपका खंड ख है ना, तो पहले सबसे ऊपर लिखिएगा खंड ख और प्रश्नोत्तर संख्या 1 है तो यहाँ पर लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1 और स्केल से ऐसे खींचेगा जैसे लिखे हैं फ्रेंड्स। यदि बोर्ड के एग्जाम में इसी प्रकार से आपको लिख के आते हैं तो आपका वो एग्जामिनर जो होगा एक नंबर भी नहीं काटेगा। 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 का 4 पूरा देगा। देखिए फ्रेंड्स आपको प्रश्न से ही आप इसका हेडिंग बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पूछा है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान पूछा ना, तो यही आपका हेडिंग हो जाएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान। सिर्फ ये प्रश्नवाचक जो शब्द रहता है इसे हटा दिया जाता है और यही हेडिंग बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए वही चीज़ें यहाँ पे लिखे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान। आप प्रश्न से ही इसका हेडिंग सामाजिक विज्ञान का बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका से समझाएंगे फ्रेंड्स। देखिए क्या है कि जैसे लिखें इसी प्रकार से आपको लिखना है कि राष्ट्रवाद के विकास में युद्धों व क्रांतियों के साथ साथ संस्कृति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसे एक नोट्स बना के फ्रेंड्स लिख लीजिएगा इन प्रश्नों को। ठीक है, जैसे कला, काव्य, कहानियाँ और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने तथा व्यक्त करने में सहयोग दिया। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जनकाव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती थी। स्थानीय बोलियों पर बल और लोक सहित को एकत्र करने का उद्देश्य राष्ट्रीय भावना को फैलाना था। देखिए फ्रेंड्स संस्कृति मतलब होता है कि जैसे आपका कोई भी देश है, जैसे भारत देश है, उसमें आपका कौन सा कला है, कौन सा काव्य, कौन सी कहानियाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है, कौन सा नृत्य है, सभी ये संस्कृति के अंतर्गत आ जाता है। इसका योगदान जो है भारत यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में कैसा रहा, तो यूरोप के बारे में वहाँ की कला, वहाँ की काव्य, वहाँ की कहानियाँ और वहाँ के कैसी संग नृत्य, कैसे वहाँ के खेल कूद, ये सभी क्या होते हैं संस्कृति के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी के बारे में आपको लिखना था। ठीक है, और जैसे बताएं इसी प्रकार से लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर इस पर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आपका अगला नंबर का, ये तो हो गया पहले का 4 नंबर का प्रश्न आप हल कर लिए। अगला नंबर का फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है कि स्थानीय सरकारों के महत्व को वर्णन कीजिए, ये भी कितने नंबर का आपका? 4 नंबर का। अथवा देखिए इसका अथवा में दिया है कि समाज अंतक कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। तो दोनों प्रश्नों में से कि कोई एक ही प्रश्न करना है आपको। चलिए यहाँ से एक प्रश्न, इन दोनों में से एक प्रश्न आपको हल करके बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे आप लिखिएगा पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2 वाला हल कर रहे थे, आप लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 2 और यहाँ से अब देखिए आप इसके हेडिंग कैसे बनाएंगे। यहाँ प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा है स्थानीय सरकारों के महत्व को वर्णन, यहाँ से होगा स्थानीय सरकारों का महत्व, ये आगे से हटा देंगे वर्णन, ये आपका हेडिंग इतना बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्थानीय सरकारों के महत्व ये हेडिंग बन गया। आप स्केल से ऐसे खींच के यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। क्या लिखिएगा कि देखिए ये जो लिखे हैं इसी को लिखना है, स्थानीय सरकारों के महत्व
निम्नलिखित है, निम्नलिखित अब उसके बारे में देखिए स्थानीय सरकार उसके महत्व क्या क्या, इसको एक बार पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आपको ये प्रश्न याद हो जाएगा। देखिए क्या है, स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना संभव हो जाता है, ठीक है। दूसरा है कि अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसके बारे में, लोगों को इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिकतर कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जाए, ठीक है। इसके बाद इस तरह स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के अतिरिक्त लोकतांत्रिक सिद्धांत को यथार्थ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, स्थानीय सरकार का मतलब होता है कि वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें सीधे अपने फैसले लेने के लिए अधिकार प्राप्त है, वह अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को स्थानीय और बढ़िया ढंग से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। यह स्थानीय लोकतांत्रिक में प्रयोग किया जाता है। यह क्या होता है कि अपने स्थानीय सरकारों के निम्नलिखित जो महत्व बताएं यही सब आपको लिखना रहता है, ठीक है। इतने पॉइंट को आप एक बार लिखिएगा, सभी प्रश्न फ्रेंड्स आप एक बार कॉपी पर लिखते हैं तो प्रश्न आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर का आपका क्या है, ये भी आपका चार नंबर का क्या है, भारत में भूमि उपयोग की प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए, या इसके अलावा संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई तीन उपाय आपको बताने, इन दोनों में से कोई एक करते हैं चार नंबर का। चलिए एक प्रश्न हल करके आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको अथवाला करना है, ये वाला प्रश्न करना रहेगा ना, ये मान लीजिए अथवाला करना है तीसरा का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या तीन और यहाँ पर क्वेश्चन कर दीजिएगा अथवा। अब देखिए आप प्रश्न से हेडिंग कैसे बनाएंगे, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो यहाँ से देखिए ये आपका हेडिंग बन के तैयार हो जाएगा, संसाधन नियोजन की आवश्यकता, ये यहाँ तक आपका हेडिंग बना लीजिएगा। प्रश्न ऐसे ही हेडिंग बार बार बता रहे हैं फ्रेंड्स, प्रश्न ऐसे ही हेडिंग बना के लिखा जाता है। देखिए यहाँ संसाधन नियोजन की आवश्यकता हो गया, आपका संसाधन में क्या है, इसका क्यों आवश्यकता है, सभी आपको बताने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु योजना का निर्माण करना संसाधन नियोजन कहलाता है। फ्रेंड्स, आप कोई भी संसाधन हो गए, संसाधन मतलब होता है बस, ट्रक, वायुयान, फिर इसके अलावा जल हुआ, पेड़ पौधे हुए, ये आपके एक संसाधन के रूप में ही उपयोग किए जाते हैं, इसका एक योजना ढंग से प्रयोग करना ही संसाधन नियोजन के अंतर्गत आ जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए, मानव की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन का अत्यधिक शोषण करता जा रहा है, जिसमें अनेकों संसाधन का अत्यधिक समाप्ति के कगार पर है, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, जिससे मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएंगे, इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। समझ में आ गया फ्रेंड, संसाधन का मतलब होगा जैसे पेड़ पौधा हो गया, बस, ट्रक, पेट्रोल, डीजल, ये एक प्रकार के आपके उपयोगी वस्तुएं हैं, इसका हम अंधाधुन इस समय वर्तमान समय में उपयोग कर रहे हैं, जो आपके वर्तमान समय में तो चल रहा है लेकिन फ्यूचर में ये क्या होता हो सकता है, समाप्त हो सकता है। यदि समाप्त हो गया तो हमारे जीवन के लिए सबसे कष्टदायक समय होगा, इसे आपको बचाना चाहिए, यही इसके बारे में आपको लिखना रहता है। फ्रेंड्स, देखिए संसाधन नियोजन के ऊपर अब ये कैसे हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पर देखिए प्रश्न करे, इसे हेतु कोई तीन उपाय बताए, ये उपाय पूछा ना, तो यहाँ से हेडिंग बनेगा संसाधन नियोजन के उपाय, उपाय पूछा ना, संसाधन नियोजन के उपाय हेडिंग बना लिए इसी से। देखिए संसाधन नियोजन के उपाय, तीन उपाय निम्न है। अब देखिए पहला क्या है, संसाधन की मात्रा एवं गुणात्मकता स्तर का निर्धारण करना चाहिए आपको, ठीक है, कितना उपयोग करना है, किस मात्रा में आपको प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, यह आपको निर्धारण करना चाहिए। समुचित विकास के लिए उचित तकनीकी अपनाना चाहिए, नए नए खोज करना चाहिए, जैसे आप सूर्य से क्या कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से आप बिजली बना रहे हैं, ये सब सोलर सेल पैनल बैठा रहे हैं, ये सब नए तकनीकी है, इसका आपको प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। विकास की योजना को चरणबद्ध रूप से तैयार करना चाहिए, ये सभी संसाधन नियोजन के उपाय हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका अगला नंबर का सवाल क्या है, देखिए आपका तीसरा नंबर का तो हो गया, चौथा नंबर का देखिए, कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, या ये नहीं आ रहा है, इसके अथवा में है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, ये चार नंबर का है। चलिए आपको अथवा लग करके बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसका पहले हेडिंग बनाइएगा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका हेडिंग बनकर तैयार हो जाएगा, वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण के बारे में आपको लिखना है, तो ये वैश्वीकरण हेडिंग बना लीजिएगा। अब इसके बारे में देखिए कैसे लिखेंगे, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है उसके बारे में लिखिए, एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जब दो देशों के बीच में अपने वस्तुओं का
अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का आदान प्रदान दो देशों के बीच में किया जाता है, वो किसके कारण संभव हुआ है, तो वो वैश्वीकरण के कारण संभव हुआ है, इसी के बारे में आपको लिखना रहता है। ठीक है, ये था आपका वैश्वीकरण से संबंधित, इसका अर्थ क्या है अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर आप अगले प्रश्न को देखिए क्या है, यहाँ से चौथा नंबर का सवाल तो आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो रहेगा फ्रेंड्स प्रत्येक छः नंबर का रहेगा। आप यहाँ प्रश्न को देखिए, इन प्रश्नों को भी आपको हल कराने वाले हैं, मानचित्र वाले सवाल भी हल कराने वाले हैं। क्या है महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य दो कारण बताइए, इसके दो प्रभाव भी लिखिए। यह टोटल कितने हैं, छः नंबर के। तो देखिए आप ये प्रश्न आरद कीजिए अथवा में दिया, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो चलिए आपको महामंदी का क्या आशय है, इसके मुख्य दो कारण और इसके दो प्रभाव लिखिए, इसको आपको प्रश्न को हल कराते हैं। और देखिए हेडिंग कैसे आप बनाएंगे उसे भी साथ में बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स इसका पहले हेडिंग है महामंदी का आशय पूछा, तो पहला हेडिंग तो आपको महामंदी हो जाएगा। ठीक है, महामंदी आप यहाँ पर हेडिंग बना लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स महामंदी से आप अपना आशय व्यक्त कर सकते हैं। क्या है महामंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में। देखिए फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, बहुविकल्पी में बहुत पूछता है कि महामंदी कब शुरुआत हुआ, तो 1929 ईस्वी में हुआ था। विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन रोजगार और व्यापार में बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की गई, कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। देखिए फ्रेंड्स महामंदी का मतलब हुआ कि जो आप कृषि कार्य के उत्पादन किए और जो आपके उपयोगी वस्तुएं हैं उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1929 ईस्वी में गिरावट आ गई, प्रत्येक देश में गिरावट आ गई थी, जिससे आपका महामंदी घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, तो 1929 ईस्वी में घोषित किया गया था। फिर फ्रेंड्स यहाँ से आपका अगला हेडिंग बन के तैयार होगा। देखिए यहाँ पर कारण पूछा है ना, तो लिखेंगे महामंदी का कारण, ये हेडिंग बन के आपका तैयार हो जाएगा महामंदी के कारण। देखिए फ्रेंड्स दो कारण पूछा है, यहाँ लिख सकते हैं महामंदी के दो कारण निम्न है और कौन कौन सा कारण, इसको पढ़िए सिर्फ एक बार फ्रेंड्स, आप कॉपी पे लिख लीजिएगा। ये जितने भी प्रश्न बता रहे हैं आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा, इसलिए कि इतना सिंपल तरीका से आपको इसका आंसर बता रहे हैं। देखिए क्या है फ्रेंड्स, महामंदी के कारण कृषि उत्पादों की कीमत निरंतर गिरती चली गई। ये पहले कारण तो यही था कि जैसे ही वस्तु महामंदी तब घोषित हुआ जब वस्तुओं की कीमत दिन प्रतिदिन घटती चली गई थी। ठीक है, अगला है महामंदी के कारण बहुत से देशों को अमीरों से ऋण लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था। महामंदी के कारण किसान उपज नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए, कारोबार ठप पड़ गए थे। ठीक है, ये महामंदी जब घोषित किया गया था उस समय अनेक देश अमेरिका से सबसे ज़्यादा कहाँ से ऋण लेते थे महामंदी में, तो उस समय सभी देश अमेरिका से ऋण लेते थे। ठीक है, तो क्या हो गया उसके कारण जब सभी देश क्या हो गए कि ऋणी हो गए, तो उस समय वहाँ के जो परिवार के थे, वहाँ के किसान के लोग थे, सभी को क्या हो गया कारोबार ठप हो गया था। ठीक है, ये महामंदी के कारण थे। अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद आपसे क्या पूछा है, महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा था, इसके बारे में देखिए आपको कैसे लिखना है। महामंदी के दो प्रभाव निम्न है कौन कौन सा, 1928 से लेकर 1934 के बीच भारत के आयात निर्यात में 50% की कमी आ गई थी। ठीक है, बंगाल में टाट का निर्यात बंद हो गया, कच्चे पटसन के मूल्य में 60% की गिरावट आ गई। देखिए फ्रेंड्स महामंदी जब आया था तो उसके कारण सभी वस्तुओं की गिरावट आ गई, उद्योग धंधे सभी ठप पड़ गए थे, इससे प्रत्येक व्यक्ति जो था इससे परेशान था। ठीक है, या महामंदी का उस पर दुष्प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल क्या आपका है, यहाँ पर बताते हैं आपको छठवां नंबर का। देखिए पाँचवा तो हो गया आपका, अब छठवां नंबर का देखिए फ्रेंड्स, संघवाद क्या है, भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए, यह प्रश्न आराध्य कीजिए। इसके अलावा नारीवाद का क्या अभिप्राय, भारत की विधाविकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए, छः नंबर का है। आप चलिए इस प्रश्न को हल करके बताते हैं, यहाँ आप लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या छः और यहाँ आप लिखिएगा संघवाद। अब संघवाद क्या होता है इसको इसके बारे में आप यहाँ से डिटेल में लिख सकते हैं। देखिए संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें देश की भीतर सरकार कम से कम दो स्तर मौजूद होते हैं। जैसे दो स्तर का मतलब संघवाद में आता है, एक राज्य आता है एक केंद्र आता है, दो स्तर अपना आते हैं। देखिए केंद्र स्तर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर आते हैं। भारत की स्थिति संघवाद को स्थानीय केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के स्वरूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो संघवाद में फ्रेंड्स आप याद रखिएगा इसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारें आती हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसका अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे सभी प्रश्न आपको हल कराने वाले हैं, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता के बारे में पूछा है, तो ये हेडिंग बनाएंगे जैसे हेडिंग बनाने का तरीका आपको बताया है अभी।
भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न है, कौन कौन सी है? तो पर दोहरी नागरिकता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, दोहरी नागरिकता का मतलब हुआ कि संघात्मक शासन वाले जो देश हैं, दोहरी नागरिकता होती है। केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपका इकहरी नागरिकता है ना, प्रत्येक जैसे अमेरिका हुआ, वहाँ पे आपको दोहरी नागरिकता मिलता है, राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग दो नागरिकताएँ मिलती हैं। लेकिन भारत में आपका एक नागरिक प्राप्त है आपको, तो पूरे भारत में आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? अब दोहरे उद्देश्य प्राप्त होना क्या कहलाता है फ्रेंड्स? संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं, जो हेडिंग है फ्रेंड्स उसी को आपको लिखना है। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, सरकार के एक या अधिक स्तर का होना, यहाँ सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। तो जो ये हेडिंग फ्रेंड्स इसी को आप अपने शब्दों में यहाँ पे दो लाइन लिख देना है, इस प्रकार से जैसे बताएं इसी प्रकार से लिखिएगा, पूरे के पूरे 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, 7वां नंबर का सवाल को देखिए, ये भी आपका 6 नंबर का है। देखिए क्या है, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है, इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय समझाइए अथवा दिया, ये प्रश्न कीजिएगा, इसके अलावा ये प्रश्न। ठीक है, पढ़ लीजिए। चलिए हम आपको ये प्रश्न करवाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नोत्तर संख्या 7 डालिएगा, हेडिंग आपको बनाने का तरीका बता ही दिए हैं कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। पहले हेडिंग तो आपको यही बन जाएगा, मृदा अपरदन। अब फ्रेंड्स देखिए, मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मृदा अपरदन का मतलब होता है जो भूमि होता है, भूमि का ऊपरी परत किसी कारण से आपका क्या होता है कि परत नष्ट हो जाता है, तो मृदा अपरदन। मतलब मृदा अपरदन का मतलब भूमि का ऊपरी परत का कटाव। ठीक है, जो कटाव होता है वो क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। देखिए इसी को अपने शब्दों में कैसे लिखना है, मृदा के ऊपरी भाग आवरण या परत का अपने स्थान से दूसरे स्थान को प्राकृतिक साधनों जैसे हवा के द्वारा देखते होंगे मिट्टी उदियाता है, जल के द्वारा मिट्टी बहता है, हिम और मानव द्वारा विस्थापित करना मृदा अपरदन कहलाता है। मतलब कि मिट्टी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक कट के या एक स्थान दूसरे स्थान तक जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला हेडिंग आपको बना लेंगे प्रश्न से ही, समस्या के समाधान के क्या उपाय होने चाहिए। तो 4 उपाय पूछा है, तो यहाँ लिखेंगे 4 उपाय निम्नलिखित है। पहला, कैसे वन लगाना, यानी कैसे मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो वन लगाकर, तो फ्रेंड्स देखिए, जब वन लगाते हैं तो मृदा अपरदन का रोका जा सकता है, यानी मृदा अपरदन वन लगा के कम किया जा सकता है। ठीक है, पेड़ पौधे जितने अधिक से अधिक मात्रा में लगाएंगे उतने मृदा अपरदन कम होता है। ठीक है, सीढ़ीनुमा खेत बनाना, फ्रेंड जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहाँ पर आप सीढ़ीनुमा खेत बनाते हैं तो वहाँ पर मृदा अपरदन आपका कम हो जाता है। समुच्च जुताई करना, फ्रेंड्स अच्छी प्रकार से यदि आप जुताई करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या होता है, मृदा अपरदन कम होता है। इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए, ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती जाती है। ठीक है, घास लगाना, देखिए फ्रेंड्स जो मृदा अपरदन, यदि घास देखे होंगे तो वहाँ पे मृदा का अपरदन क्या होता है, कम होता है। अच्छी प्रकार से घास लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे बताएं इसी प्रश्न को इस प्रकार से आप लिखिएगा। ठीक है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे आप ईयरली एग्जाम हो, इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का सवाल है, देखिए 7वां नंबर तो हो गया कंप्लीट, 8वां नंबर का सवाल देखिए, विकसित देशों के किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए अथवा दिया, इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक कर सकते हैं, ये 6 नंबर का है। चलिए एक प्रश्न इसमें से करके आपको बताते हैं, देखिए इस प्रश्न को कैसे आप हल करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, आपका प्रश्नोत्तर संख्या 8 डालिएगा, और देखिए हेडिंग बनाने का तरीका आपको बार बार बता रहे हैं उसी तरह बनाना है आपको ना। देखिए क्या है, विकसित देशों के किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कराना, तो लिखिएगा विकसित देशों की प्रमुख विशेषता, ये हेडिंग बन जाएगा, विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं। अब यहाँ पर लिखिएगा कि विकसित देश की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, कौन कौन की विशेषता है, इसको आपको हेडिंग के तौर पर बनाना है। लोगों का स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना रहता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, विभिन्न देशों को लोगों के जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। फ्रेंड्स इसका कहने का मतलब है कि जहाँ के लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं वहाँ का आपका विकास जो होता है ज़्यादा विकसित माना जाता है, तो वहाँ का देश क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है, वहाँ के देश क्या होता है, विकसित देश होता है। समझ में आ गया ना? तो देखिए कहने का मतलब यही है कि जिस देश के लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं वहाँ हॉस्पिटल व्यवस्था अच्छी होती है, तो ऐसे देश को क्या कहते हैं विकसित देश कहते हैं। जैसे फ्रांस अमेरिका देश क्या है, आपका विकसित देश के अंतर्गत आ जाता है। फिर इसके बाद शैक्षिक स्तर मतलब होता है कि कहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षा स्तर को प्राप्त हैं, जहाँ शिक्षा शैक्षिक स्तर दर जहाँ पर अच्छा है। ठीक है, जहाँ के लोग अधिक से अधिक पढ़े लिखे होते हैं वहाँ का देश जो होता है विकसित देश कहलाता है। जैसे देखिए
किसी देश में साक्षरता की दर, मतलब पढ़े लिखे साक्षरता दर मतलब होता है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं, जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा, और यह दर यदि कम है तो उस देश को अल्प विकसित देश कहा जाता है। समझ में आ गया ना। अब प्रति व्यक्ति आय देखिए फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति आय का मतलब ही होता है, प्रति व्यक्ति मतलब औसत आय जिस देश की अच्छी मानी जाती है तो वहाँ पे विकसित देश वो होता है, ठीक है। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोग जो होते हैं, देखिए ठीक है, आपको जैसे बता रहे हैं फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि पूरे प्रश्न को आप एक बार कापी सिर्फ लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। देखिए क्या है, जीवन स्तर अच्छा होगा और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होगी लोगों का जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा, ऐसे देशों को विकसित देश नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड जिस देश के जहाँ पे आपके शिक्षा स्तर हुआ, लोग स्वस्थ हैं, जहाँ पे संसाधन अच्छी प्रकार से उपलब्ध हैं, ऐसे देश को विकसित देश माना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी के जितने भी दीर्घ उत्तरी लॉन्ग क्वेश्चन थे सभी आपके कंप्लीट हो गए। अभी फ्रेंड्स आपका स्टार्ट होता है 9वां नंबर का, जो मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को मानचित्र पे आपको भर के कैसे हल करना है सभी बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये मानचित्र है, इसी मानचित्र पे आपको इन प्रश्नों को हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ कहा है कर निर्देश जरूर फ्रेंड्स पढ़ लीजिएगा आप। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों पर इस तरह डॉट चिन्हों द्वारा नाम सहित, यानी आपको नाम भी लिखना है, सहित नाम व सही अंकन के लिए आपको 1/2 और 1/2 अंक निर्धारित, अर्थात एक प्रश्न करेंगे तो एक नंबर आपको मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स अब पहला सवाल आपको क्या है, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए 1920 में जो सितंबर महीना है 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में, ये पता होना चाहिए ना कहाँ पे हुआ था, और कलकत्ता, अब आपको मानचित्र में पता होना चाहिए कलकत्ता है कहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बगल में आपका क्या हुआ पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है कलकत्ता है, इसी में आपका कलकत्ता है। अब किस चिन्ह द्वारा दिखाना था, इस तरह डॉट द्वारा ना, तो ऐसे आप खींच लीजिएगा, ठीक है। इस तरह बनाने के बाद इसको ऐसे खींचिएगा, देखिए नाइन का क है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा नाइन का क, और क का कौन सा है अ वाला है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा अ, नाइन का क वाला अ हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये पश्चिम कलकत्ता है ना, तो यहाँ पर आंसर लिख लीजिएगा कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है, भर लिया आप। इस तरह आपको प्रश्न करना रहेगा बोर्ड के एग्जाम में जैसे फ्रेंड्स बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, तो कहाँ पे हुआ था, तो चंपारण में हुआ था। कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स, चंपारण में। तो आप सभी को पता होगा कि चंपारण है कहाँ पे, तो बिहार में है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये आपका उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश के बगल में आपका बिहार है। तो अब देखिए यहाँ पे दिखाना है चंपारण को, तीसरा बनाइएगा और बनाने के बाद ऐसे खींच लीजिएगा, इन नाइन का कौन सा है, नाइन का क का ब है, तो यहाँ पर लिखिएगा नाइन क का ब वाला कौन सा है ब, और यहाँ पे लिख लीजिएगा चंपारण, चंपारण, इस तरह आंसर इसका लिखना है आपको। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का सवाल क्या है, ध्यान से बस फ्रेंड देखिए, और जितने भी प्रश्न करा रहे हैं यही वायरल पेपर आपके आने वाले हैं, ठीक है। बार बार बता रहे थे आपको, स्टार्टिंग से ही बताते चले आ रहे हैं। वह स्थान चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था, आपको पता है चौरी चौरा जो कांड हुआ था गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। और गोरखपुर है कहाँ पे फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है कि यूपी में है, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। देखिए फ्रेंड्स ये था आपका उत्तर प्रदेश, आपका गोरखपुर यहाँ पे कहीं पे ऐसे दिखा सकते हैं इस तरह करके, देखिए इस तरह बनाइएगा और इसको इस तरह खींचिएगा, ये नाइन क का कौन सा है, नाइन का स है ना, तो यहाँ पर स लिखिएगा, और स लिखने के बाद क्या लिखना है फ्रेंड्स, गोरखपुर, क्या लिखना है, गोरख पूर, और इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला नंबर का क्या है, वह स्थान जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, मतलब जालियांवाला बाग है कहाँ पे, तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि जालियांवाला बाग जो है आपका अमृतसर है, कहाँ पे है, अमृतसर, अमृतसर पड़ता कहाँ है, पंजाब पे। तो चलिए आपको पंजाब दिखाते हैं कहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बगल में ये जो है आपका पंजाब है, इसमें आपको दिखाना है, इस तरह आप बनाइएगा गोला और इसको ऐसे कर लीजिएगा, ये नाइन क का कौन सा होगा, नाइन क का देख लीजिए द वाला है ना, तो नाइन क का यहाँ पर द दीजिएगा, द, और लिखिएगा यहाँ पर अमृतसर, क्या लिखेंगे, अमृतसर, इस तरह आपको लिखना रहेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्या है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920, देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न और इस प्रश्न में अंतर आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों आप गलती कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा है
1920, लेकिन यहाँ पे सितंबर महीना दिया है ना, लेकिन यहाँ पे 1920 दिया है, लेकिन आपको दिसंबर महीना पूछ रहा है। तो गर्भवा स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो देखिए फ्रेंड, दिसंबर महीना में जो हुआ था आपका नागपुर में हुआ था। अब यह पता होना चाहिए नागपुर है कहाँ पे। नागपुर आपको पड़ता है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र मानचित्र पे देखेंगे तो कहाँ पे है, देखिए पूरा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में यहाँ पे आपको पड़ता है नागपुर। और इसको ऐसे करके, ठीक है, नाइन क का यह है ना, नाइन क का यह, देखिए यहाँ पे नाइन क का यह वाला है, और यहाँ पे लिख लीजिएगा नागपुर, नागपुर। देखिए फिर इस प्रकार से आपको मानचित्र वाले सवाल भी करना है, और यदि ऐसे करते हैं आपको तो इस पे पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका ख अभिष्टक क वाला तो हो गया, अब ख वाला 5 नंबर इसमें, अब 5 नंबर इसमें, यानी टोटल 10 नंबर का मानचित्र वाले सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निर्देश पढ़िएगा, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है आपको। भाखड़ा नांगल बाद आपको इस चिन्ह द्वारा दिखाना है गोला बना के, ठीक है, और ये भी आपका एक नंबर रहेगा, और नाम भी आपको साथ में लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पहले से लिखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नाइन का भाखड़ा नांगल बाद के बारे में पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए भाखड़ा नांगल बाद है कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे देखिए नाइन का अ है, और ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये भाखड़ा नांगल बाद हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार से आपको लिखना है नाइन का अ वाला भाखड़ा नांगल बाद। दूसरा प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, भारत में गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि आपका उत्तर प्रदेश है, और इस चिन्ह द्वारा दिखाना है। उत्तर प्रदेश है कहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स ये आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है। इसमें आप ऐसे बना के इसको खींच के नाइन ख का ब है ना, इसे नाइन ख का ब लिखिएगा, और गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य लिख के यहाँ पर लिख दीजिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्या है आपका, भारत में चावल के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि चावल भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में। अब देखिए फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल है कहाँ पे, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपका, देखिए ये आपका ये तो है बांग्लादेश, आपको पश्चिम बंगाल दिखाना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको यहाँ पर भरिएगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, नहीं यहाँ भरना, ये पश्चिम बंगाल आपका इसमें भरना है, और तीर द्वारा ऐसे दिखाइएगा, ठीक है। यहाँ नाइन ख का स वाला है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश है, ध्यान दीजिएगा ना, तो यहाँ पे इसको काट के इसमें भरना है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है आपका, कि भारत के सबसे अधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक कहाँ पर होता है, तो असम में होता है। अब चलिए मानचित्र पर देखिए असम है कहाँ पर, तो फ्रेंड्स देखेंगे तो ये वाला जो चित्र जा रहा है ऐसे करके, तो ये असम है, और इस असम ऐसे करके त्रिभुज बनाना है और इसको रंग देना है, इसलिए कि इसमें ब्लैक त्रिभुज तो बनाना है, ब्लैक करना है इसको, और इसको खींच के नाइन ख का द है असम, चाय उत्पादक राज्य है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है मानचित्र में। अब ये आपका लास्ट सवाल है, लाल मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पे है, तो देखिए फ्रेंड्स लाल मिट्टी कई जगह पाया जाता है, आपका उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश हो गया, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स आपको मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाया जाता है, इस तरह त्रिभुज, ये मध्य प्रदेश हुआ, इस तरह त्रिभुज बनाना है, और इसको खींच के तीर नाइन ख का यह वाला है, लाल मिट्टी का क्षेत्र मध्य प्रदेश इस तरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स जैसे आपको समझा है, इस पेपर जो सॉल्यूशन कराते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए एक नोट्स बना के उस पर आप बकायदे सभी प्रश्नों को लिख लिया कीजिए। आपको गारंटी देते हैं फ्रेंड्स, 100% का गारंटी देते हैं कि आपको प्रश्न लिखते लिखते याद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कि आपको सिंपल तरीका से सभी प्रश्नों का आंसर कराते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फ्रेंड्स वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो हम किसी सब्जेक्ट से बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।